नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के 10वें अध्याय किशोरावस्था की ओर के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब किशोर अवस्था के अंदर बालक प्रवेश करते हैं तब उनके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं? तो यह परिवर्तन लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, श्वेत एवं तेली ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, जनन अंगों का विकास, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना आदि हो सकते हैं, जिनमें से हमने पिछले वीडियो में लंबाई में वृद्धि के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो आइए अब हम बात करते हैं शारीरिक आकृति में होने वाले परिवर्तन के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, जब हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तब शारीरिक आकृति में कुछ परिवर्तन आते हैं। यौवनारंभ के दरमियान लड़के और लड़कियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो दर्शाता है कि वह किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। लड़कों में होने वाले परिवर्तन कुछ इस अनुसार हो सकते हैं। उनके कंधे और सीने का चौड़ा होना। जब लड़के किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तब उनके कंधे और सीने की चौड़ाई में वृद्धि होती है तथा वे मजबूत बनते हैं। साथ ही शरीर की जो मांसपेशियां हैं वह लड़कियों की अपेक्षा अधिक गठीली बनती है, यानी वे मजबूत बनती हैं। लड़कियों में भी उनकी इस अवस्था के दरमियान कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वे परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं? तो कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है, साथ ही स्तन ग्रंथियों का विकास भी होता है। आप इस चित्र में इन परिवर्तनों को देख सकते हैं कि लड़कियों में कमर का निचला जो भाग है वह चौड़ा होना शुरू हो जाता है और स्तन ग्रंथियों का विकास भी शुरू हो जाता है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम बात करते हैं एक और परिवर्तन की, जो है स्वर में होने वाला परिवर्तन। जब किशोरावस्था में बालक प्रवेश करते हैं तब उनके स्वर में परिवर्तन देखने को मिलता है। यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंग में वृद्धि होती है। आप यहाँ पर स्वर यंत्र को देख सकते हैं। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर के अपेक्षाकृत और अधिक बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ यह स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट रूप से विकसित होता हुआ देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख पा रहे हैं। इसे विद्यार्थी मित्रों एडम्स एप्पल या कंठमणि के नाम से जानते हैं। लड़कियों में यह जो स्वर यंत्र है वह अपेक्षाकृत छोटा ही रहता है और बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। अब यहाँ पर किसी लड़की के गले के अंदर आप स्वर यंत्र को देख पा रहे हैं। यह स्वर यंत्र बाहर की तरफ उभरा हुआ देखने को नहीं मिल रहा, वह बिल्कुल ही सामान्य दिखाई देता है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, यानी लड़कियों के स्वर की जो आवाज है वह मधुर होती है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, आपने इस चीज को नोट भी किया होगा कि आपकी शाला में जो प्रार्थना का समय होता है उसमें प्रार्थना गाने के लिए अधिकांश लड़कियों को आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि उनका जो गले का स्वर है वह उच्च तारत्व वाला देखने को मिलता है। जबकि विद्यार्थी मित्रों, लड़कों का स्वर गहरा होता है, अर्थात वे मोटी आवाज वाले होते हैं। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियां अनियंत्रित वृद्धि करती हैं, जिसके कारण उनकी आवाज भर्राने लगती है। आप इस चित्र में फैले हुए स्वर यंत्र को देख सकते हैं कि किस तरह से स्वर यंत्र बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार उनकी वृद्धि अनियमित भी हो जाती है, जिसके कारण उनकी आवाज भर्राने लगती है। विद्यार्थी मित्रों, आइए अब हम नए परिवर्तन की चर्चा करते हैं, और वह परिवर्तन है श्वेत तथा तेली ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होना। विद्यार्थी मित्रों, आपने कई बार नोट किया होगा कि जो किशोर होते हैं उनके चेहरे पर बहुत सारे खील और मुहासे देखने को मिल जाते हैं और उनकी त्वचा भी काफी चिकनी होती है। ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? ऐसा होने के पीछे कारण यह है विद्यार्थी मित्रों कि हमारी जो त्वचा है उस त्वचा में तेल ग्रंथि देखने को मिलती है। यदि आप अपने स्किन का यानी हमारी त्वचा का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो उसमें तेल ग्रंथि देखने को मिल सकती है। हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका वह रुधिर के द्वारा होता है, परंतु जो श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि और लार ग्रंथि है इनका वहन करने के लिए विशिष्ट प्रकार की वाहिनियां आई होती हैं। श्वेत ग्रंथि हमारे शरीर में पसीना उत्पन्न करती है और जो तेल ग्रंथि है वह चिकना पदार्थ उत्पन्न करती है, जो कि हमारी त्वचा को बहुत सारे बैक्टीरियाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक संकेत है कि अब आप किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं।
चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम अगले परिवर्तन की चर्चा करते हैं जो है जनन अंगों का विकास होना। विद्यार्थी मित्रों, जब व्यक्ति अपनी किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है और वह परिवर्तन है उनके जनन अंगों के विकास की। यौवनारंभ में नरजननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और जो वृषण है उसमें शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका होता है। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो अपने मुख्य जनन अंग हैं उनका विकास होता है और वे और अधिक विकसित होते हैं। शिश्न की लंबाई में वृद्धि होती है और जो शुक्राणु हैं उनका निर्माण वृषण में होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लड़कों का मुख्य जनन अंग एक जोड़ी वृषण है और इस वृषण में शुक्राणुओं का विकास भी शुरू हो जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, लड़कियों में भी जनन अंगों का विकास होता है। यौवनारंभ में लड़कियों में अंडाशय की साइज में वृद्धि होती है यानी अंडाशय का आकार बढ़ता है तथा अंड परिपक्वता में भी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। वे अंड उत्पन्न करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी शुरू हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं कि किसी लड़की के शरीर में भी जनन अंग का विकास होता है और वह इस प्रकार के जनन अंगों में रूपांतरित हो जाती है जिनमें जो अंडाशय है वह अपने में से अंडकोश का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। यह अंडकोश आने वाले समय में नए गर्भ के निर्माण के लिए या नए बच्चे के निर्माण के लिए महत्व की भूमिका अदा करते हैं और उनके शरीर में होने वाली यह वृद्धि ही उनकी जनन अंगों के विकास की परिपक्वता को सूचित करती है। अब जो अंतिम वृद्धि है विद्यार्थी मित्रों, वह मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त करना होती है। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि लड़के जब किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आते हैं, वैसे ही लड़कियों में भी कुछ स्वभाव में परिवर्तन आते हैं। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी कही जाती है। इस दरमियान उनके सोच और ख्याल बदलते हैं, वे कुछ नया जानने और सोचने के लिए उत्सुक होते हैं। वे सबसे पहली बार को अपने शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों को जानने के लिए उत्सुक होते हैं और इसीलिए वे मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता प्राप्त भी करते हैं। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं। वे अपने प्रति कुछ नया जानने के लिए उत्सुक होते हैं। कई बार उन्हें विजातीय आकर्षण पैदा होते हैं यानी लड़कों का लड़कियों के प्रति आकर्षण और लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने और विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि वह कुछ नया जानने के लिए उत्सुक होते हैं। यह परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं और इसलिए तो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि जो किशोरावस्था का समय है वह बालकों के लिए एक तूफानी समय कहा जाता है, क्योंकि इस समय के दरमियान वे अपने शरीर में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों के लिए कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और ऐसे समय में उन्हें अपने माता पिता और शिक्षक मित्रों की सहायता से उनको इस प्रकार का ज्ञान मिल पाना जरूरी है और वे इनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। यदि विद्यार्थी मित्रों बालकों को उनके इस किशोरावस्था के दरमियान सही मार्गदर्शन न मिले तो वह किसी गलत मार्गों पर भी भटक सकते हैं, इसीलिए उन्हें उनकी इस किशोरावस्था के दरमियान योग्य मार्गदर्शन पूरा करना हम शिक्षक मित्रों और माता पिता की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, जब कभी भी बालक किशोरावस्था में हो तब उनके साथ हमारा जो संबंध है या हमारा जो व्यवहार है वह मानवता भरा होना चाहिए तथा उनके हर प्रश्नों का हमारे पास उत्तर भी होना चाहिए। माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ योग्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और उनके हर एक प्रश्न का उत्तर भी माता पिता को देना चाहिए ताकि वह किसी गलत मार्ग पर भटक ना जाए। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने किशोरावस्था में हमारे शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसके विषय में योग्य जानकारी प्राप्त की होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे अन्य मित्रों को शेयर भी करें ताकि वे भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।